दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल को देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको 10 ऐसी बेहतरीन हॉरर मूवीज के नाम बताने वाला हूँ जो आपको भूतों से नहीं अपनी स्टोरी से डराएंगी, क्योंकि इन मूवीज की स्टोरीज हॉरिफाइंग और थ्रिलिंग के साथ साथ काफी यूनिक है। तो इन टॉप 10 यूनिक हॉरर मूवीज के काउंटडाउन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। नंबर टेन पर है इट फॉलोस। मिस्ट्री और थ्रिलर के जॉनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 2014 में रिलीज किया गया था। मूवी में दिखाया गया है एक टीनेज लड़की को जिसके पीछे एक एविल सुपर नेचुरल फोर्स लग जाता है, किसी ऐसे इंसान के रूप में जिसे वो जानती है या फिर किसी स्ट्रेंजर के रूप में। तो यह एविल फोर्स इसी लड़की के पीछे क्यों लगा है, आखिरकार ये लड़की इससे कैसे छुटकारा पाती है या फिर कैसे नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। नंबर नाइन पर है 10 क्लोवरफील्ड लेन। मिस्ट्री थ्रिलर और साइंस फिक्शन के जोनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 2016 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक यंग औरत से जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसे एक आदमी ने जमीन के नीचे बनाए हुए अपने घर में कैद करके रखा है। यह आदमी उसे बताता है कि ऐसा करके एक्चुअली में उसने उसकी जान बचाई है, क्योंकि बाहर की दुनिया अब रहने लायक सुटेबल नहीं है। लेकिन इस औरत को इस आदमी के बिहेवियर को देखकर इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। तो क्या इस कोशिश में यह औरत कामयाब पाती है, और सबसे बड़ी बात, क्या सच में जमीन के ऊपर की दुनिया रहने लायक सुटेबल नहीं है। नंबर एट पर है द सिक्स्थ सेंस। ड्रामा, मिस्ट्री और थ्रिलर के जोनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 1999 में रिलीज किया गया था। मूवी में दिखाया गया है एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को जो एक 8 साल के लड़के को ट्रीट करने के लिए उसके घर पर जाता है, और वह लड़का उसे बताता है कि वह मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बातें कर सकता है। तो जब यह डॉक्टर इस लड़के की सुपर नेचुरल एबिलिटी के पीछे के राज को जानने की कोशिश करने लगता है, तो इन दोनों को अंत में न समझाई जाने वाली खौफनाक बात पता चलती है। नंबर सेवन पर है डोंट ब्रीद। क्राइम और थ्रिलर के जॉनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 2016 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है 3 दोस्तों को जो एक अमीर अंधे आदमी के घर में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं, यह सोचकर कि वे इस चोरी को आसानी से अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जल्दी ही इनका यह अजम्पशन रॉन्ग साबित होता है। नंबर सिक्स पर है 1922। क्राइम और ड्रामा के जॉनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की स्टोरी इसी नाम से पब्लिश की गई स्टीफन किंग के नोवेल पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया गया एक किसान की फैमिली को। अब इससे ज्यादा इस मूवी के बारे में जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। नंबर फाइव पर है स्प्लिट। यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे रिलीज किया गया था साल 2016 में। मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है एक आदमी को जिसकी 24 अलग अलग पर्सनालिटी रहती हैं। एक दिन यह आदमी 3 टीनेज लड़कियों को किडनैप करके अपने एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में कैद कर लेता है। अब इन तीनों लड़कियों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि उस आदमी की सबसे खतरनाक वाली 24वीं पर्सनालिटी बाहर ना आ जाए। इसकी यह 24वीं पर्सनालिटी मूवी में देखने लायक है। नंबर फोर पर है गेट आउट। मिस्ट्री और थ्रिलर के जॉनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 2017 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है क्रिस नाम के एक आदमी को जो अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। तो शुरू में क्रिस को उनका बिहेवियर नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे उन लोगों के बारे में एक ऐसी बात पता चलती है जिसकी कल्पना क्रिस ने कभी नहीं की थी। तो आखिर वो मिस्टीरियस बात क्या है और इससे क्रिस को क्या खतरा है, वो आप खुद इस मूवी को देखकर जानिए। नंबर थ्री पर है बर्ड बॉक्स। ड्रामा और साइंस फिक्शन के जॉनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 2018 में रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें दिखाया गया है कि पूरे वर्ल्ड पर मिस्टीरियस एलियंस ने हमला कर दिया है, जिनके पास एक ऐसी स्पेशल पावर्स है जिसकी वजह से जो कोई भी उन्हें देखता है वो पागल हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। तो किसी तरीके से बचते एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक सेफ जगह पर जाने का फैसला करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस जगह पर जिंदा पहुंचने के लिए इन तीनों को अपनी आंखों को बंद करके नदी और जंगलों से होकर गुजरना पड़ेगा। नंबर टू पर है अ क्वाइट प्लेस। ड्रामा और साइंस फिक्शन के जॉनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 2018 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है एक फैमिली को जो ऐसे जगह पर रहती है जहां ब्लाइंड लेकिन नॉइज सेंसिटिव क्रिएचर्स रहते हैं, जो अपने से अलग लिविंग क्रिएचर्स की नॉइज सुनते ही वहां तुरंत आकर उसे जान से मार देते हैं। तो मूवी में आपको यही देखना है कि कैसे यह फैमिली बिना कोई नॉइज किए इन नॉइज सेंसिटिव मॉन्स्टर्स से भरी इस जगह में कैसे सर्वाइव करती है।
नंबर वन पर है द अदर्स। मिस्ट्री और थ्रिलर के जॉनरा पर बनी इस हॉरर मूवी को साल 2001 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है ग्रेस नाम की एक औरत और उसके दो फोटो सेंसिटिव बच्चों को जो एक बड़े से घर में रहते हैं। एक दिन उस घर में काम करने के लिए 3 सर्वेंट्स आते हैं और वहीं से उस घर में हॉरीफाइंग एक्टिविटीज शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस घर में होने वाली हॉरीफाइंग एक्टिविटीज के पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये आप खुद इस मूवी को देखकर जानिए। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस हॉरर मूवी की स्टोरी आउट ऑफ बॉक्स है, क्योंकि इस मूवी ने मुझे हद से ज्यादा सरप्राइज किया, इसी वजह से मैंने इस मूवी को नंबर वन पर रखा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी टॉप 10 यूनिक हॉरर मूवीज, जिन्हें देखकर कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से मूवीज को देखकर अपनी वीडियो के जरिए आपको रिकमेंड करता रहूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर से मेरी आने वाली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इन 10 बेहतरीन हॉरर मूवीज को देखिए।